मुजफ्फरपुर में किडनी कांड की पीड़िता सुनीता ने 2 साल तक इलाज के दौरान संघर्ष किया और अंततः सोमवार को SKIMCH में उनका निधन हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश के बावजूद बिहार सरकार सुनीता के लिए किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था नहीं कर सकी। मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए इस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता करार दिया। सुनीता की मौत ने सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की खामियों को उजागर किया और गरीबों के इलाज के अधिकार पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। काफ़ी हम मरमाहत हैं इस खबर को सुनकर के। काफ़ी तकलीफ़ हुआ है कि सुनीता अब इस दुनिया में नहीं रही। हमने एक अधिवक्ता के तौर पर जितना एक बतौर अधिवक्ता किसी भी मुकदमों के लिए लड़ सकता है, हमने पूरी ईमानदारी से इस केस को हमने लड़ा है। और मुझे इस बात का इस न्यूज़ इज़ ब्रॉट यू बाय हिमालयन इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा भी मलाल नहीं है कि मैंने सुनीता के लिए अपनी लड़ाई में कोई भी कसर को मैं छोड़ा। मैं कोई कसर नहीं छोड़ा। तकलीफ़ इस बात की है कि जो आदेश कोर्ट का आया उस आदेश का पालन सरकार के द्वारा नहीं किया गया। अगर कोर्ट के आदेश का पालन अगर बिहार सरकार के द्वारा किया जाता तो शायद सुनीता हम लोगों के बीच होती। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज से लगभग 4-5 महीना पहले ही यह आदेश दे दिया था कि सुनीता के किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए हाई लेवल पर बिहार सरकार व्यवस्था करे, हाई बिहार सरकार कार्य करे। इतना ही नहीं, बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दिया गया था कि सुनीता के किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए आप व्यवस्था करिए, आप इस पर कार्य करिए। और यह जो आदेश जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा जो दिया गया, इस पर बिहार सरकार ने चुप्पी साध ली और बिहार सरकार ने कोई कार्य इसके लिए नहीं किया। हमने तो यहाँ तक करवाया, लेकिन अब जो कार्य सरकार को करना था वह कार्य सरकार ने नहीं किया, जिसके लिए सुनीता ने कोर्ट के आदेश को तो पा लिया, लेकिन उसने सरकार ने उसका कंप्लायंस नहीं कर पाया, जिस वजह से सुनीता अपनी जो है ज़िंदगी से हार गई। मुझे जब जानकारी मिली आप लोगों के माध्यम से कि सुनीता अब इस दुनिया में नहीं रही, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और हम लोग काफ़ी हम डिस्टर्ब रह गए, क्योंकि सुनीता के साथ में हमारा काफ़ी एक इमोशनल एक अटैचमेंट था। जब भी हम उससे मिलते थे तो सुनीता एकदम बोलती थी, यही शब्द बोलती थी कि भैया हमारा पर ध्यान दीजिएगा और हमारे लिए भैया और हमारे बच्चे के लिए लड़िएगा। उसकी यादें अब हमारे साथ में शेष हैं और हम क्या बताएं, उनके बच्चों के लिए भी हमने पिटीशन फाइल किया, जिसको अंबेडकर छात्रावास में रखने की बात, पोखरेरा में उसको पढ़ाने की बात के लिए भी DM साहब मुजफ्फरपुर ने भी इस पर लिखे हैं। और इस पर उसके बच्चे के अच्छे एजुकेशन हो, इसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। यहाँ तक कि हमको एक बार जो डॉक्टर को जो उसमें जो सज़ा हुआ है 7 वर्ष का, उस डॉक्टर को सज़ा दिलवाने में भी हम लोगों ने काफ़ी एविडेंस को हमने कलेक्ट किया था और सुनीता के केस को हमने काफ़ी मजबूत किया। जितनी लड़ाई हम लड़ सकते थे मैंने 2 साल तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही। जी जी, इसमें किसको आप लापरवाह समझेंगे? यह लापरवाह यहाँ की सरकारी सिस्टम है। कोई आदमी ड्रास्टिक स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं है आज के डेट में। हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं उस प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी तय नहीं करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अच्छा स्टेप नहीं लेना चाहता है, सब लोग एक दूसरे पर टालते चले जाते हैं। एक व्यक्ति यहाँ से लड़ते लड़ते पटना के रास्ते दिल्ली तक जाता है और दिल्ली जाने के बाद में वह ऑर्डर लेकर के आता है, बिहार सरकार उसको कंप्लायंस नहीं कर पाती, इसी बात का बड़ी तकलीफ़ होती है। 2 साल मैंने इस मुकदमे में लगभग 20 बार मैं न्यू दिल्ली में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यालय में मैं गया हूँ 20 बार, लेकिन क्या हुआ, कोर्ट ने आदेश दे दिया, सरकार ने कंप्लायंस नहीं किया।
इस मामले में हमने बिहार के जितने भी बड़े से बड़े आला अधिकारी थे सारे अधिकारियों को हमने कानून का एहसास करा दिया, चाहे वह बिहार के पुलिस महानिदेशक हों, चाहे वह बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, चाहे वह बिहार के मुख्य सचिव हों, हमने उन सभी लोगों को कानून का एहसास कराया। कानून का हमने एहसास तो करा दिया लेकिन उनको जो कार्य करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। फिर यहाँ पर हम लोग व्यवस्था को ही दोषी देंगे कि ये जो हमारे यहाँ का जो सिस्टम बना हुआ है वह सिस्टम ने सुनीता के जान को जो है नहीं देखा। नहीं तो अगर कोर्ट की आदेश की अगर बात किया जाए तो कोर्ट का आदेश तो बहुत पहले हो चुका था कि सुनीता को प्रायोरिटी लेवल पर किडनी की व्यवस्था करे सरकार। आज तक सरकार ने आदेश का कोई न रिज्वाइंडर दाखिल किए न कोई उसमें कुछ कहते भी, सरकार कोर्ट के सामने कुछ कहे भी नहीं और सरकार एकदम चुप्पी साथ लिए। जिंदगी से बड़ा लगाव था सुनीता को। सुनीता को स्वाभाविक है, बच्चे अभी काफ़ी छोटे छोटे हैं और लंबा समय तय जी बहुत जी 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 ये तो मानवाधिकार आयोग और मीडिया जगत का यह देन है कि सुनीता 2 वर्षों तक जीवित रही है हम लोगों के बीच में। इसके लिए मानवाधिकार आयोग और अपने देश प्रदेश की और जिला के जो मीडिया मित्र लोग हैं, मीडिया के साथीगण हैं, इन लोगों की के वजह से सुनीता का जो भी ट्रीटमेंट हुआ है वो सब लोगों के सामने में ट्रीटमेंट हुआ है। बावजूद इसके उसको तो दोनों किडनी था नहीं, दोनों किडनी की बात थी और दोनों किडनी के लिए हम आदेश तो ले चुके थे ऑलरेडी आयोग से, लेकिन आयोग के आदेश का इम्प्लीमेंटेशन जो है सरकार के द्वारा नहीं किया गया। अगर सरकार कर दिया रहता, एक किडनी की भी व्यवस्था सरकार कर दी रहती तो एक जीवन हम लोग बचा लेते। अब क्या कीजिएगा? अभी हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को हमने मामले की पूरी जानकारी दे दिया है और उसमें हमने ये दिया है जानकारी आयोग को, दोनों कमीशन को, कि इसमें सरकार पर जो है फिर एक एक्शन लेने की आवश्यकता है कि आखिर सरकार ने मानवाधिकार आयोग के आदेश का पालन क्यों नहीं किया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या स्टेप लेती है, फिर जैसा होगा हम आप लोगों को खबर करेंगे।